जय श्री राधे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 25। धीर्धवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथालब्ध पूजन के सामान से पूर्वा की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद मध्यान्ह के समय 16 शेर अथवा उसका आधा अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंच धान्य से उत्तम सर्वतो भद्र बनावे। बाद सर्वतो भद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहत शुद्ध 4 कलश स्थापना करने चाहिए, अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंच धान्य से उत्तम सर्वतो भद्र बनावे। बाद सर्वतो भद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहत शुद्ध 4 कलश स्थापना करना चाहिए। 4 व्यू के प्रत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठे के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान का मंत्र, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उन मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के दमन कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उर्स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्रिक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋतिवजों को उत्तम दक्षिणा देवे। पछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग चांदी के खुर से भूषित कर देवे। बाद घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद भागवत का दान करें। देरी नहीं करें। श्रीमद भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देवे तो वह कोटि कुल का उद्धार कर अवसरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है।
हजारों कन्या दान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान है और वेद दान है, वे सब श्रीमद भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। बाद योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस संतान ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 शेर कांसे का संपुट कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें, अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख कर देवे। हे नराधिप, निमंत्रित सप्तरीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंदायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकाशट रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन, सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलता हुआ, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभो, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भुक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमा पान समर्पण करें। यस्य स्मर्त्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सदो बंदे तमुच्यतम, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहत हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सप्तरीमक व्रते प्रसन्न चित्त हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के साथ चढ़ा हुआ सामान को देवे, अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्न दान को देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 25 संपूर्णम्। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।